हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ और आप भी सब ठीक होंगे। और आज है संडे और आज संडे से मैंने वीडियो सुबह से ही डाली है, देखिएगा। और रूटीन डाला है दोपहर तक का, क्योंकि शाम को ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर को बन गया है तो शाम को तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो बनेगा, तो जो रखा है बना लूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं चावलों की रोटी बना लूँ उनके साथ जो मैंने आज बनाया है। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो मुझे पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। मिलती हूँ मैं आपको अपनी वीडियो के साथ, देखते रहिएगा। और आओ चलो देखते हैं वीडियो और लेते हैं आनंद वीडियो का, कैसी बनी है वीडियो मेरी, और बताइएगा। और मुझे लाइक से पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आइए चलो चलो मेरे साथ देखते हैं आप वीडियो। हेलो जी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये है संडे, आज है संडे और टाइम है 8 बज रहे हैं और नहा ली हूँ मैं, और नहा के मैंने पूजा भी कर ली है, क्योंकि फिर कपड़े धो के नहाती हूँ तो मुझे देर हो जाती है। तो कपड़े वपड़े मैंने आज मशीन लगा रखी है। और देखिए, आज भी धूप नहीं निकली, मैंने आपको वेदर दिखा दिया, गेट बंद कर देती हूँ, हवा आ रही है और मशीन लगा दी है। इतने कपड़े मेरे धुल गए हैं जो स्कूटी पर पड़े हुए हैं, और बाकी मेरे धुल रहे हैं, और साफ़ सफाई सब हो गई है। देखिए, पूजा भी हो गई है और मैंने बना रही हूँ अब नाश्ता। और जी, कपड़े मेरे धुल गए और ये पायदान भी धो दिया है मैंने, और ये पायदान भी धो दिया है, सुखा दिया है मशीन में। और ये देखिए, स्कूटी पे कपड़े हैं, सब धुल गए हैं। आइए चलो इसे, इन कपड़ों को हम ऊपर लेकर चलते हैं छत पे फैलाने के लिए। चलिए ऊपर चलते हैं लेकर छत पे फैलाने के लिए, है ना। चलते हैं, कि ऊपर जाना पड़ता है 3 मंजिल पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उस मकान मेरा इतना बड़ा घर था वो, कि आंगन में ही कपड़े फैला देती थी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये कब सामान रखा है थोड़ा बेटे का, तो जा रहे हैं कपड़े ऊपर फैलाने। ऊपर देखो, यहाँ रहता है ऊपर बेटा, ये उसका गेट है। और अब तीसरी मंजिल पर चढ़ रही हूँ, तीसरी मंजिल पर देखिए ऊपर चढ़ रही। छत तो सब साफ़ ही पड़ी होगी, साफ़ कर दी थी मैंने छत उस दिन। तो देखिए आप खिड़की से, यहाँ का ऊपर से कैसा व्यू दिखता है हमारे घर से। और आ गए हैं, पोछा मैं सुबह को लगाई देती हूँ ऊपर से नीचे तक, तो साफ़ पड़ा है बिल्कुल ये, तो इसलिए मैंने कपड़े यहीं डाल देती हूँ, है ना। अब छत पे तो ये है ना, धूल वूल रहती है थोड़ी, कितनी साफ़ कर दो, लेकिन हवा तो चलती है, तो सुबह को रोज़ पोछा लगता है ऊपर से नीचे तक, तो कपड़े मैं यहीं डाल देती हूँ। और फैल गए हैं देखिए सारे कपड़े, सब फैला दिए हैं मैंने कपड़े। और पता नहीं क्यों आड़ी क्यों आई, ये वीडियो समझ में नहीं आई, है ना। चलिए, कपड़े सब फैला दिए हैं, ये सब फैल गए हैं। चादर भी एक धोई थी मैंने, दीवान बेड की, छोटे दीवान बेड की धोई थी। आइए गजक खा लीजिए, थोड़ी सी गजक खा रही, मन करने लगा मेरा तो मैंने गजक ले ली। इधर दूध गर्म हो रहा है, दूध वाला आया तो मैंने दूध लेके दूध गर्म कराया, कपड़े फैला के जैसे आई तो दूध वाला आ गया। मेरा मन में थोड़ी सी गजक। अब करते हैं लंच की तैयारी, गैस पे चढ़ा दिया है कुकर, चढ़ा दिया है मतलब रख दिया है। इसमें मैंने उड़द डाल दी है, दो ही मुट्ठी उड़द बनाऊंगी बस, क्यों यही काफ़ी हो जाएंगे। तो इसमें मैंने डाला है कटा हुआ अदरक और टमाटर, है ना, और कटा हुआ अब टमाटर डाला है। इसमें डाल दी सौंफ, कि वो गिर गई ऊपर बहुत तेज़ी से। इसमें डाला नमक, है ना, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ डाल दी मैंने। और कुकर बंद करने लगी तो मुझे ध्यान आया, कुकर बंद करने लगी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे इसमें एक चीज और डालनी है। फिर देखिए आ गया ध्यान, फिर मैंने डाला है बनते हुए सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल डालती हूँ सरसों का तेल डाल दिया है। ये पकड़ो 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 पकड़
पकड़ो बेबी प्रशा को, पकड़ो 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 भैया, पकड़ो 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 पकड़ो। उड़द में पपड़ी जम जाती है जब, ये अच्छा लगता है। इधर बन रहे हैं चावल।